हेलो एस स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर के स्किल को और भी बेहतर एस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे आई बी पी एस एफ ओ यू पी पी एस सी यूपी कैटेड नाबार्ड आर आर बी एफ सी आई इफको यू पी एस सी एन एस सी आई सी आर के जे आर एफ एस आर एफ और नेट के एग्जाम में अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग वॉज क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की शुरुआत की गई थी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सेवन फाइव ईयर प्लान में इंडिया में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पंद्रह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे फायर करिंग इज फॉलोड इन

जिसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है सही ऑप्शन है बर्ड गुआनो बर्ड गुआनो में सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है और मात्रा होती है ग्यारह से चौदह प्रतिशत वर्ड गुआनो वर्ड के एक्सक्रीटा को बोलते हैं गुआनो एस्ट्रेंड्स इस लिस्ट में आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर्स और उनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे विच वन ऑफ फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो सबसे कम हाइड्रोस्कोपिक होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डाइ एमोनियम फॉस्फेट हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग अट्रैक्टिंग और होल्डिंग के फिनोमिना को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल एजेंट फॉर ब्रेकिंग डॉमेंसी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट कौन सा है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए उपयोग किया जाता है इंटरवेनर क्लोरोसिस ऑफ 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 यंगर यंगर लीव्स लीव्स द प्लांट प्लांट इज क्लोरोसिस की में किसकी कमी के कारण होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आयरन डिफिशियंसी आयरन की कमी से पत्तियों में होता है इंटरवेनर क्लोरोसिस इस पिक्चर में देखेंगे ये लीफ है और इसकी दो वेन्स हैं ये देखिए आप ग्रीन है और यहाँ पे वेन्स के बीच में ये कलर है पत्ती का ये हो गया है येलो तो क्लोरोसिस क्या होती है जो लॉस यह राइस की किस वेराइटी में पाया जाता है तो इसका सही ऑप्शन है आई आर एट आई आर एट जो क्रॉस है पेटा पेटा एक वेराइटी है इंडोनेशिया की जो हाईडिंग वेराइटी है और डीजीन एक ताइवानी वेरायटी है इसका क्रॉस है आई आर एट

डिसप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अप्लाइड बिहेवियरल साइंस से द टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर एक्सटेंशन एजुकेशन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप पार्टिसिपेशन और लीडरशिप दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक्सटेंशन एजुकेशन के विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम इज लिंक्ड विद फॉर्म प्लान With क्रेडिट फॉर फार्मर्स निम्नलिखित में से कौन सा extension प्रोग्राम किसानों के लिए ऋण के साथ कृषि योजना से जुड़ा हुआ है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आई लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्नीस में और इम्प्लीमेंट किया गया उन्नीस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे ध्यान रखेंगे पपेट सो इन विलेज एज ए मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ गांव में होने वाला कठपुतली का कार्यक्रम जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सकता है यह एक एग्जाम्पल है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्रुप मीडिया पपेट शो एक सही एग्जाम्पल है ग्रुप मीडिया का एस्प्रेंड्स पपेट शो इज ए फॉर्म ऑफ थिएटर और परफॉर्मेंस इसके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है ये एक ऑडियो विजुअल टाइप का थिएटर प्रोग्राम होता है राइटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज प्रैक्टिस मैटर ऑफ रूटीन इन रेटनिंग को रूटीन नियमित रूप से प्रैक्टिस किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शुगर केन एंड नेपियर ग्रास गन्ने और नेपियर ग्रास में रेटनिंग को नियमित रूप से प्रैक्टिस किया जाता है वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसिस निकोटीन निम्नलिखित में से टोबैको प्लांट का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर निकोटीन सिंथेसिस निकोटीन का उत्पादन होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रूट टोबैको प्लांट की रूट में निकोटीन का निर्माण होता है और निकोटीन एकट होता है प्लांट की लीफ में विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैज द रेशियो निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनिक में, में सबसे संकीर्ण सीएन रेशियो पाया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्राउंड नट केक नैरो नैरोन रेशियो ऑफ इज आइडियल फॉर कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग के लिए आइडियल सीएन रेशियो है थर्टीजन अगर सी एन रेशियो हाई या फिर वाइड होगा जैसे हंड्रेड इज टू वन टिलाइजर इज ए बायो फर्टिलाइजर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कल्चर हैग्निज्म ऐसा कल्चर जिसमें माइक्रो ऑर्गनिज्म हो वही बायोफर्टिलाइजर कहलाता है विच वन ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरान इन सॉयल निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो मृदा में बोरान का मुख्य सोर्स है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी टर्मालाइन टर्मालाइन बोरान का मुख्य सोर्स है मृदा के अंदर लेयर ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इज इंडिकेटेड बाई द सिंबल सॉइल की वह लेयर जिसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है उसको किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ई ई सिंबल से इंडिकेट किया जाता है मैक्सिमम लीचिंग लेयर को स्प्रेंड्स इस पिक्चर में आप देखेंगे सॉयल हॉरीजोन को ये सिक्स पार्ट में डिवाइडेड होते हैं पहला ओ हॉरिजोन इसे कहते हैं ऑर्गेनिक या लिटिल लेयर ए होरिजोन इसको कहते हैं सरफेस सॉइल या टॉप सॉयल ई हो इसे कहते हैं लीचिंग लेयर बी हो को कहते हैं सब सॉइल सी हो रिजोन सब स्टेटम कहलाता है आर हो को कहते हैं बेड रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल जो ग्राउंड वाटर पाया जाता है ये पाया जाता है सी होरिजोन और आर होरीजोन के बीच में मोलिवडेनम इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट बिकॉज इट इज ए को फॉर मोलिवडेनम प्लांट के द्वारा रिक्वायर किया जाता है क्योंकि ये एक को फैक्टर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट का द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए आईआरडीपी के अंतर्गत विकास की बेसिक इकाई कौन सी है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फैमिली डेवलपमेंट की बेसिक यूनिट है फैमिली ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ हिस्टोसॉल्स एंड हाइड्रोमार्फिक सॉइल हाइड्रोमार्फिक सॉइल और हिस्टोसॉल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टू टूटी होती है जो मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है और इसमें 20 तीस प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है पुअर नाइट्रिफिकेशन रेट ऑफ नॉन एडविल महुआ केक इज ड्यू टू पुअर नाइट्रिफिकेशन नॉन एडविल महुआ केक में किसके कारण होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एल्कोलाइड्स कुछ एल्कोलाइड्स की उपस्थिति के कारण महुआ में नॉन एडबिल महुआ केक में पुअर नाइट्रिफिकेशन होता है महुआ का साइंटिफिक नेम होता है मधुका लेटीफोलिया। द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ऑफ चॉइस फॉर टी इज चाय के लिए यूज किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमोनियम नाइट्रेट Diminished carbohydrate status of the plant placed under high nitrogen supply is due to ज्यादा नाइट्रोजन सप्लाई के कारण कम कार्बोहाइड्रेट स्टेटस प्लांट में क्यों होता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिग्रस प्रोटीन सिंथेसिस के कारण ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त और इफेक्टिव क्रॉप कल्टिवेशन कौन सी है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी ऑप्शन नंबर डी इंटर क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग फॉरेस्ट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कल्टिवेशन माना जाता है द लेटेस्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम इज मूंग का लेटेस्ट बोटेनिकल नाम कौन सा है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक विग्ना रेडिएटा विलजैक एस्परेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे विचवनाइंग पेयर ऑफ प्री इमरजेंस हरविइट निम्नलिखित में से कौन सा प्री इमरजेंस हर्विसाइट का पेयर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्लूक्लोरालीन एंड पेंडी मेथलीन एस्परेंट्स प्री इमरजेंस हर्विसाइट क्या होता है ये वाइडली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीट्स इन नर्सरी क्रॉप प्रोडक्शन नर्सरी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड को व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सൂട്ടेड फॉर अनडुलटिंग टोपोग्राफी उतार चढ़ाव वाली टोपोग्राफी के लिए सबसे उपयुक्त इरिगेशन मेथड कौन सा है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंकलर इरिगेशन द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ द रॉक बाय वेदरिंग इज कॉल्ड

अर्थ सरफेस या फिर सॉलिड रॉक का ये इतना पोर्शन कहलाता है regolith. और ये क्लासिफाई होता है दो पार्ट में एक रेगोलिथ का जोन जिसमें होता है सॉयल जोन और वाटर टेबल और दूसरा होता है रेगोलिथ का सेचुरेटेड जोन जिसमें वाटर टेबल से लेकर ट्रांजिशन जोन तक का एरिया होता है इन दोनों को मिला के कहते हैं रेगोलिथ वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से समझेंगे विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मॉइस्चर पोटेंशियल ऑफ सॉयल इनमें से कौन सा सॉयल के मॉइस्चर पोटेंशियल का कंपोनेंट नहीं है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टर्गर पोटेंशियल स्प्रेंट्स टर्गर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है और इसको एस्टिमेट किया जाता है प्रेशर वैल्यूम कर्व के द्वारा टर्गर पोटेंशियल को प्रेशर पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है एग्जाम पॉइंट आप इसे इंपॉर्टेंट है आप इसे ध्यान रखेंगे दी क्रॉप सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन सैलाइन सोडिक सॉयल वुड इंक्लूड इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सेलाइन सोडिक सॉयल में कल्टिवेशन के लिए सुटेबल है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शुगर बीट एंड राइस एस फ्रेंड्स सैलाइन सोडिक सॉयल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चार से ज्यादा होती है और ई एस पी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज पंद्रह से ज़्यादा होता है इस सॉयल में प्लांट ग्रोथ एडवर्सली इफेक्ट करती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में साल्ट और सोडियम पाया जाता है एक्टिव सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर वुड इंक्लूड इनमें से एक्टिव सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर कौन से है? सही उप्षन है, उप्षन हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वेजिटेशन एंड क्लाइमेट एस आइए इसकी डिटेल देखते हैं सॉइल साइंटिस्ट आइडेंटिफाई क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म एज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन सॉयल साइंटिस्ट का कहना है कि जो क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स होते, है, होते हैं ये एक्टिव फैक्टर होते हैं सॉयल फॉर्मेशन के इसमें शामिल है रेन हीट कोल्ड विंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी फंजाई Earthworm और burrowing animals. ये इन्फ्लुएंस करते हैं को। में पाया जाने वाला कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक पार्ट सिल्कॉन और दो पार्ट ऑक्सीजन के पाए जाते हैं सिल्कॉन सिल्कॉन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है इट इज अटेंडेंट मिनरल फाउंड इन अर्थ सर्फेस क्वार्ड बनाता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट वेरी हार्ड क्रिस्टल जो ग्लासी लाइक लाइकर के रूप में कुछ इस तरीके से देखे जा सकते हैं द बेस्ट दस्टिमेट ऑफ अवेलेबल फास्फोरस इन फास्फोरस फर्टिलाइजर इज ऑप्टेड फ्रॉम द फास्फोरस में उपलब्ध फास्फोरस सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाटर सॉल्युबल एंड साइट्रेट सॉल्युबल फ्रैक्शन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, है आप इसे ध्यान रखेंगे अ हाई सेमी डॉर ऑफ राइस फर्स्ट डेवलप्ड एट राइस की हाँ सेमी सेमीडॉर वेराइटी फर्स्ट टाइम कहाँ डेवलप की गई थी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आई आर आर आई मनीला इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में इसका मोटो है राइस साइंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड आई आर आर की स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेड क्वार्टर है लॉस वेनस लेगुना फिलीपींस मनीला में इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मैथ्यू मॉरेल मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेरायटी इन पीजेन पी इज़ मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग पीजन पी की वेरायटी कौन सी है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपास 120 सौ पी का बोटेनिकल नेम है खजानस खजान और इसे पीजेन पी रेड ग्राम तूर और जमैका में गुंगो नाम से जाना जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट लाइक क्वालिटी सीड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड द एजेंसी दैट इज प्रेजेंट एट द विलेज पंचायत समिति लेवल इज गुणवत्ता वाले बीज उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जो समिति मौजूद होती है उसका नाम है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कॉपरेटिव सोसाइटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉज रेनफॉल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग पेनिनसुलर इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल कब की जाती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन एट प्रेजेंट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मार्केट ओरिएंटेड वर्तमान में भारत का फार्मिंग सिस्टम मार्केट ओरिएंटेड हो चुका है दालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट इन यंग सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट सोर्गम इज फॉरेस्ट सोर्गम की यंग सीडलिंग में पाया जाने वाला एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोसाइनिक एसिड हाइड्रोसाइनिक एसिड सोर्गम में पाया जाता है इसकी वजह से सोर्गम की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है इसका नेचर पॉइजनस होता है जो लाइव स्टॉक के लिए काफी हानिकारक होता है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज बिलोंग टू पॉप मेज इनमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो पॉप मेज से बिलोंग करती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इवर्टा स्पूडेंट्स आइए देखते हैं मेज के क्लासिफिकेशन को मेज को नौ भागों में क्लासिफाई किया गया है फ्लोर फ्लोरकॉर्न पॉपकॉर्न डेंट फ्लिंट डेंटकॉर्न फ्लिंटकॉर्न स्वीटकॉर्न वैक्सीकॉर्न एमाइलोमेज पॉडकॉर्न और स्टिप मेज स्पूडेंट्स आपको बता दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है इसलिए आपको वीडियो को पॉज करके इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है हाई यील्डिंग मेज को प्राप्त किया जा सकता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रोइंग सीजन के दौरान रहता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाई ड्यूरिंग द डे एंड लो ड्यूरिंग द नाइट दिन के समय ज़्यादा और रात के समय कम टेम्परेचर होने पर हाई यील्डिंग मेज को ऑप्टेन किया जा सकता है सीड पोटैटो फ्रॉम द हिल रीजन ऑफ इंडिया इज प्रिफर्ड बिकॉज भारत के हिली रीजन के पोटैटो के सीड प्रिफर किए जाते हैं क्योंकि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इट इज ए डिजीज फ्री डिजीज फ्री होने के कारण जो भारत के हिली रीजन की पोटेटो के सीड है उन्हें प्रेफर किया जाता है विच वन ऑफ फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू ट्रीट सीड पोटेटो टू ब्रेक इट्स डॉमेंसी सीट पोटैटो की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इनमें से किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी थाो यूरिया डॉर्मेंसी किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का ऐसा पीरियड है जहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटी टेम्प्रोरी स्टॉप हो जाती है ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है और डॉर्मेंसी कंप्लीटली डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइजीस इज प्रिफर्ड इन ड्राई लैंड मेज़ ड्राई लैंड मेज़ में इनमें से कौन सा ट्राइजीन प्रेफर किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एट्राजीन एक्सपरियंट्स एट्राजीन को ड्राई लैंड मेज के लिए प्रीफर किया जाता है आइए जानते हैं ट्राइजीन क्या है ट्राइजीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल है और इसका फार्मूला होता है सी थ्री एस थ्री एंड थ्री ट्राइजीन की तीन फॉर्म होती है वन थ्री एंड फाइव ट्राइजीन विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्टिनोमाइसिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें से कौन सा एक्टिनोमाइसिटीज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंकिया फ्रेंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक जीनस है और ये सिमिलर होता है राइजोबियम बैक्टीरियम के फ्रेंकिया फाउंड इन रूट न्यूडल्स ऑफ लेग्यूम एस्पुरेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप इसे ध्यान रखेंगे द इंडिया फॉर्मिंग इज पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया फॉर्मिंग पब्लिश किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आई सी ए आर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा आई सी आर का मोटो है एग्री सर्च विद ह्यूमन टच आई सी आर की स्थापना हुई थी सोलह जुलाई उन्नीस सौ उनतीस को आई सी आर की प्रेसिडेंटिप होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास और ये लोकेटेड है विद हाई पीएच आर जनरली इन ऐसी जिनका पीएच ज्यादा होता है उनमें सामान्यतः किन न्यूट्रिएंट की कमी होती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिंक और मैगनीज टॉलरेंस टू तो सॉइल सेलिडिटी ऑफ द गिवन सेट ऑफ क्रॉप इज सच दैट ये जो फसलों का सेट दिया गया है ये जो क्रॉप्स का सेट दिया गया है इसमें सॉइल की सेलिडिटी के प्रति जो टॉलरेंस है इसका क्रम बताना है तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए बार्ले paddy अपलैंड beans. और one of फॉलोइंग सिस्टम नीड्स irrigation थ्रू द year? इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पूरे वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बेनिफिट्स देखते हैं इस सिस्टम में पूरे साल भर में दो या दो से अधिक क्रॉप एक फील्ड में उगाई जाती हैं जिससे लेबर कॉस्ट फर्टिलाइजर कॉस्ट इरीगेशन कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है When irrigation water is available for two irrigation only, the wheat crop should receive these at. जब वीट की क्रॉप में केवल दो सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाइयाँ कब करनी चाहिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सी आर आई एंड फ्लावरिंग स्टेज एस फ्रेंड्स वीट क्रॉप की क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती हैं पांच. टोटल पांच क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज हैं पहली क्राउन रूट इनिशिएशन दूसरी टिलरिंग तीसरी लेट ज्वाइंटिंग चौथी फ्लावरिंग और पांचवीं डो स्टेज डेफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट्स आर फर्स्ट नोटिस्ड एट प्लांट में कैल्शियम की डेफिशियंसी सबसे पहले कहाँ नोटिस की जाती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टर्मिनल लीप्स पर टर्मिनल लीप्स पर कैल्शियम की डेफिशियंसी सबसे पहले देखने को मिलती है आइए इस पिक्चर में देखते हैं कि प्लांट के किस पार्ट में किस न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है टर्मिनल पोर्शन पर बुरान और कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है यंगर पोर्शन पर कापर सल्फ़र फेरस और मैग्नीज की कमी देखने को मिलती है बाकी ओल्डर लीब्स पर जिंक मैग्नीशियम फास्फोरस नाइट्रोजन पोटेशियम और मॉलिवडन की कमी देखने को मिलती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है आप इसे ध्यान में रखेंगे एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वेन ऑर्गेनिक मैटर एडेड टू सॉयल जब ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में एड किया जाता है तो क्या होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बल्क डेंसिटी कम हो जाती है एसप्रेंड्स ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है अगर एक परसेंट ऑर्गेनिक मैटर सॉयल में ऐड करते हैं तो सॉयल की बल्क डेंसिटी 0.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक कम हो जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन एलकली सॉयल इज सैलाइन एलकली सॉयल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चार से ज़्यादा एसपेन्नस इस टेबल में देखेंगे डिटेल है सॉइल के ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की ई एस पी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और पी एच वैल्यू की यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पॉइंट है सेलाइन एल्कली सॉयल जिसका ए है चार से ज़्यादा और ई एस से ज़्यादा पी वैल्यू एट से कम है बाकी के सेलाइन और सोडिक की डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे ई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मिलीमोस पर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है दी अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिव इन सॉयल इज मोर एट सॉयल में मॉलिडेनम की अवेलेबिलिटी कब सबसे ज़्यादा होती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जब पीएच वैल्यू न हो आइए देखते हैं मॉलिव के नेचर को मॉलिव डेनम अवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड बाई पी एच मॉलिव डेनम की जो उपलब्धता होती है वो पी एच के द्वारा अफेक्ट की जाती है मॉलिव डेनम इज हाईली अवेलेबल इन एल्कलाइन सॉयल मॉलिडेनम सबसे ज्यादा अल्कलाइन सॉयल में पाया जाता है मॉलिव डेनम इंक्रीजेज विद मॉइस्चर कंटेंट मॉलिडेनम मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ बढ़ता रहता है सीड प्लॉट टेक्निक इज फॉलोड इन सीड प्लॉट टेक्निक फॉलो की जाती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पोटैटो में पोटेटो में सीड प्लॉट टेक्निक को फॉलो किया जाता है स्प्रेंट्स यहाँ पर डिटेल है सीड प्लॉट टेक्निक की आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पढ़ लेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज ए को फिक्स करता है और यह है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नॉन सिम्बायोटिकली बैक्टीरिया एसफ्रेंड्स एजोटोवेक्टर का डोमेन है बैक्टीरिया फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया क्लास गामा प्रोटोबैक्टीरिया ऑर्डर स्यूडोमोनाडल्स और इसकी फैमिली है या फिर एजोटोबैक्टेसी और इसका जीनस है एजोटोबैक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ेंगे रॉक फॉस्फेट इज यूज रॉक फॉस्फेट यूज की जाती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एसिडिक सॉइल में रॉक फॉस्फेट एक नॉन डेट्राइटल सेडिमेंट्री रॉक है और इसमें हाई अमाउंट फॉस्फेट मिनरल पाए जाते हैं रॉक फॉस्फेट को फॉस्फोराइट या फिर फॉस्फेट रॉक के नाम से भी जाना जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आप इसे ध्यान रखेंगे माउंट मोरियलोनाइट क्ले हैज सिल्का एंड एलुमिना लेयर इ इन रेशियो माउंट मोरूलोनाइट क्ले में सिल्का और एलुमिना लेयर किस रेशियो में पाई जाती है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टू एज टू वन के रेशियो में इसमें दो पार्ट होता है सिल्का का और एक पार्ट होता है एलुमिना का आइए यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं माउंट मोरलोनाइट एक स्मेक्टाइट ग्रुप का मेंबर है और ये टू इज टू वन टाइप का क्ले है इसका मतलब ये है कि इसमें दो टेट्राहेड्रल हेडल सीट पाई जाती है सिल्का की और एक ऑक्टाहेड्रल हेडल सीट पाई जाती है एलुमिना की इसकी कैटेगरी है या याड ग्रुप इसका क्रिस्टल क्लास है प्रिजमेटिक वन ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इन नाइट्रिफिकेशन इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नाइट्रिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोसोमोनास एस्प्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और बिलोंग करता है

इसका दूसरा नाम है ब्रूम ब्रूमरेब औरबंकी की फैमिली है औरबंकी सी टेलीविजन रेडियो फेयर्स एग्जीबिशन एक माध्यम है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मास कम्युनिकेशन का टेलीविजन हो रेडियो हो या फिर मेला हो या फिर कोई प्रदर्शनी ये सभी मास कम्युनिकेशन का एक बेहतर माध्यम है मास कम्युनिकेशन होता क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट किया जाता है एक्सचेंज किया जाता है मास मीडिया के थ्रू एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करनाल इसकी लोकेशन है करनाल हरियाणा और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर की स्थापना हुई थी उन्नीस में नाइनटीन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी अचीव्ड बाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव किया जा सकता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मोर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अप्रोच किया जा सकता है अचीव किया जा सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो उद्देश्य है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करना और केमिकल यूज को कम से कम कर देना जिससे कि केमिकल्स के जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको कम किया जा सके और प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की उन्हें रिजनरेट किया जा सके इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी रिट ट्रॉपिक्स इज सिचुएटेड एट सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद एस्परेंट्स

अब देखते हैं सोर्स और सिंक क्या होता है सोर्स प्लांट का एक ऐसा पार्ट जहां पर प्रोडक्ट जहां पर सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है जैसे कि लीफ और सिंक प्लांट का एक ऐसा पार्ट जहां पर सबस्ट्रेट स्टोर होता है जैसे कि रूट या फिर स्टेम द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाई प्लांट इज डिक्रीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्लांट का वाटर एब्जॉर्प्शन रेट किस न्यूट्रेंट की डिफिशियंसी से कम हो जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम एस पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी होने पर प्लांट का वाटर एब्जॉर्प्शन रेट काफी हद तक कम हो जाता है मस्टर्ड ऑयल इज कॉज्ड सरसों के तेल में चरपराहट का कारण है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है वो सहजीवी संघ होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फर्न एंड ब्लू ग्रीन एल्गे अजोला को मॉस्क्यूटो फन डकवीट फन फेरि मॉस वाटर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है अजोला की फैमिली है सेल्विनिय द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल का कोर मेटल कौन सा होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्लोरोफिल एक ग्रीन कंपाउंड होता है और यह प्लांट के लीव्स और प्लांट के स्टेम में पाया जाता है इसका कोर मेटल मैग्नीशियम होता है ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल में एज ए कोर मेटल मैग्नीशियम प्रेजेंट दिखेगा आपको फॉस्फोरस इज टेकन बाई प्लांट इन फॉर्म ऑफ दॉफोरस प्लांट के द्वारा किस रूप में लिया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड को आर्थो फॉस्फोरिक एसिड नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है एस थ्री पी ओ फोर एसप्रेंड्स ये केमिकल फार्मूला है फास्फोरिक एसिड का टेस्ट वेट ऑफ सोयाबीन इज सोयाबीन का टेस्ट वेट होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फिफ्टी फाइव ग्राम एस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दो टेबल देखेंगे आप अगर किसी स्मॉल सीट का टेस्ट वेट लेना हो तो टेस्ट वेट के लिए थाउजेंड सीट कंसीडर किए जाते हैं और अगर किसी बोल्ड सीट का टेस्ट वेट हमें लेना हो तो हंड्रेड सीट दिए जाते हैं टेस्ट वेट के लिए ये टेबल है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है राइस का टेस्ट वेट ट्वेंटी बासमती राइस ट्वेंटी ग्राम वीट का फोटी ग्राम इसी तरीके से सोयाबीन का देखेंगे आप फिफ्टी ग्राम फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके आपको इस टेबल को याद करना है ग्रीन रेवोल्यूशन इन वीट इज बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू वीट में मूल रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन का लक्ष्य था सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर यूज ऑफ सीड ऑफ हाई एल्डिंग वेराइटी हाई एल्डिंग वेराइटी के सीड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना यूरिया हाइड्रोलिसिस इन सॉइल प्रोड्यूस मृदा में यूरिया हाइड्रोलिसिस से उत्पन्न होता है प्रोड्यूस होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमोनियम कार्बोनेट एसप्रेंड्स आइए जानते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है हाइड्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को सबस्टेंस के साथ ऐड किया जाता है हाइड्रोलिसिस यूरिया हाइड्रोलिसिस ज्यादातर एल्कलाइंस ऑयल में देखने को मिलती है जहां पर पी एच या उससे ज्यादा होता है सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज ए गुड क्वालिटी ऑयल बिकॉज इट कंटेन सनफ्लावर ऑयल को एक अच्छी गुणवत्ता वाला तेल का दर्जा दिया जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हाई क्वालिटी ऑफ उच्च गुणवत्ता वाले की उपस्थिति के कारण। क्या होता है जब चेन के साथ उपस्थित होता है तो इसे फैटी एसिड कहते हैं फैटी एसिड दो प्रकार का होता है अनसेचुरेटेड वॉट इज द फॉर्म इन विच जिंक इज एबर्ड बाई द प्लांट के द्वारा जिंक किस फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेड एन प्लस प्लस के फॉर्म में एस इस टेबल में देखेंगे एलिमेंट प्लांट के द्वारा किस फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाता है माइक्रोन्यूट्रियट की बात करें तो नाइट्रोजन एनओ और एन के फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाता है माइक्रोन्यूट्रियट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिंक की बात करें तो ये जेड एन प्लस प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं इसलिए वीडियो को पॉज करके आपको इस टेबल को याद करना है विच ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेज फॉस्फेट सॉलिबिलिटी इनमें से कौन सा माइक्रोब्स का ग्रुप फॉस्फेट की सोलिबिलिटी को बढ़ाता है सही ऑप्शन ऑप्शन है नंबर ऑप्शनिया मैच्योरिटी इन सुगर केन कैन इजली बी डिटरमाइंड बाई हैंड रेफ्रेक्टोमीटर वेन इट्स केन की मैच्योरिटी को हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से डिटरमाइन करते हैं इसकी रीडिंग होनी चाहिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 17 से 18 एस्परेंट्स आपको याद रखना है किस यंत्र के द्वारा शुगर केन की मैच्योर मापी जाती है हैंड के द्वारा और इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए सत्रह से अट्ठारह मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इन पैडीज पैडी में पडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्रिएट इमपर्मीएबल लेयर इन सॉइल अपार झिल्ली का मृदा में निर्माण करना एस्प्रेंड्स आइए जानते हैं पडलिंग क्या होती है सॉयल की चर्निंग वाटर के साथ पडलिंग कहलाती है और यह तब की जाती है जब फील्ड में स्टैंडिंग वाटर की डेप्थ 5 से दस सेंटीमीटर हो पोटैटो इज प्रोपोगेटेड थ्रू पोटैटो को प्रोपोगेट किया जाता है पहला ऑप्शन है ट्यूबर दूसरा माइक्रोट्यूबर तीसरा टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड और चौथा आलाफ एब सही ऑप्शन है आलाफ एब पोटैटो को इन तीनों विधियों के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है अमोनिया इज कन्वर्टेड इन नाइट्रेट बाई अमोनिया को नाइट्रेट में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है द फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इन अमाइड फॉर्म ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन को अमाइड फॉर्म में कंटेन करता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूरिया यूरिया नाइट्रोजन को अमाइड फॉर्म में कंटेन करता है यूरिया का दूसरा नाम है कार्बोमाइट Experience, अगर आपको यूरिया का कार्बोहाइट नेम पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आप इसे ध्यान रखेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑप्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अधिकतर प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ऑप्टेन करते हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट फॉर्म में एस नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को सॉइल से प्लांट के द्वारा ऑप्टेन किया जाता है विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए उत्तरदायी है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जेबरेलिकब्रेलिक एसिड एस्पिरेंट्स एसिड का फॉर्मूला होता है सी नाइनटीन एस ट्वेंटी टू ओ सिक्स और यह प्लांट या फंजाई में पाया जाता है इसका दूसरा नाम जेब्रेलिन है अंडर टी एंड वी सिस्टम हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू मेक रेगुलर कॉन्टेक्ट विद फार्मर्स ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के तहत कौन किसानों के साथ नियमित संपर्क बनाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी किसान सहायक या किसान सेवक विंड ब्रेकर आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड टू आर्ड बगीचों में विंड ब्रेकर को कहाँ लगाना चाहिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट में एक्सप्रेंड्स कुछ इस तरीके से प्लांट किया जाता है विंड ब्रेकर और ये है मेन क्रॉप विंड ब्रेकर की जो हाइट होनी चाहिए मेन क्रॉप से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए जिससे जो विंड का फोर्स है वो विंड ब्रेकर पर लगकर बिना मिन क्रॉप को इफेक्ट के बाहर निकल जाए फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस किया जाता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ब्रीडर सीड से एसप्रेंड्स एग्जाम में सीड के कलर टैग से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टेबल में देखेंगे सीड का क्लास और कलर ऑफ द टैग पहला है बेसिक आर न्यूक्लियर सीड इसका कोई टैग इस्तेमाल नहीं होता है ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो कलर का टैग यूज होता है फाउंडेशन सीड के लिए व्हाइट कलर का टैग लगाया जाता है सर्टिफाइड सीड में एज्योर ब्लू कलर का टैग इस्तेमाल होता है ट्रूथफुल लेवल्ड सीड के लिए ओपल ग्रीन कलर का टैग यूज किया जाता है सी एफ टी आर आई इज सिचुएटेड एट सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैसूर इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1950 को और इसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह इसकी वेबसाइट है सी की वेबसाइट है www.cftri.com। डब्ल्यू डब्ल्यू चौक इज कल्टिवेटेड फॉर ग्लोबार्टी चौक को किस लिए कल्टिवेट किया जाता है पहला ऑप्शन सकोल एंड लीब्स दूसरा फ्लावरबर्ड्स तीसरा ट्यूबर चौथा नन ऑफ दीज सही ऑप्शन है फ्लावरबर्ड्स ग्लोबार्टी चौक को फ्लावर फ्लावरबर्ड्स के लिए कल्टिवेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में इसे फ्रेंच आर्टी चौक या ग्रीन आर्टी चौक के नाम से भी जाना जाता है ये पिक्चर है ग्लोबार्टी चौक की वीज टाइप ऑफ सीड इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन किस प्रकार के बीज का उपयोग कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड न्यूक्लियस सीड सर्टिफाइड सीड सही ऑप्शन है सर्टिफाइड सीड सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल किया जाता है कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए क्योंकि सर्टिफाइड सीट जेनेटिक प्योर होते हैं जर्मिनेशन हाई होता है और इनमें क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है टिशू कल्चर टेक्निक इज फॉलोड इन कल्चर टेक्निक फॉलो की जाती है कारनेसन ग्लेडियोलस ऑर्किड्स नन ऑफ दीज सही ऑप्शन है ऑर्किड्स ऑर्किड्स में कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कल्चर होता क्या है टिश्यूज़ या सेल्स को किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना कल्चर कहलाता है ये पिक्चर है कल्चर की यहाँ पर एक ग्लास की बॉटल है इसे आर्टिफिशियल मीडियम कहेंगे और इसको सेपरेट रखा गया है ऑर्गनिज्म से वेजिटेबल्स आर नॉन प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज दे आर रिच इन वेजिटेबल्स को सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है पहला ऑप्शन विटमिनस दूसरा मिनरल्स तीसरा बोथ एंड वी और चौथा कार्बोहाइड्रेट्स सही ऑप्शन है बोथ एंड वी प्रोटेक्टिव फूड्स में लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स विटमिनस और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाए जाते हैं ओरिजिन ऑफ क्राइजेंथिम इज क्राइजेंथिम का उत्पत्ति स्थान है चाइना जापान फ्रांस यूरोप सही ऑप्शन है चाइना क्राइजेंथियम का उत्पत्ति स्थान है चाइना इसकी फैमिली है एस्ट्रेसी क्राइजेंथियम को मम्स या फिर क्राइजेंथस नाम से भी जाना जाता है जनरली सीडलेस वाटर मिलन इज सामान्यतः सीडलेस वाटर मिलन होते हैं डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड ट्रिट्राप्लाइड हेक्सोप्लाइड सही ऑप्शन है ट्रिप्लॉय सामान्यतः सीडलेस वाटर मिलन ट्रिप्लॉयड होते हैं एफ हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर रिकमेंडेड बाई आई ए आर आई इज आई आर आई के द्वारा रिकमेंड किया गया को कुंबर का एफोन हाइब्रिड कौन सा है पहला ऑप्शन पूसा संजोग दूसरा बिंटर स्क्वेस तीसरा स्टेट एट और चौथा मस्क मिलन सही ऑप्शन है पूसा संजोग एस्ट्रेंड्स एफोन हाइब्रिड को फिलियल वन हाइब्रिड नाम से भी जानते हैं एफोन हाइब्रिड का इस्तेमाल जेनेटिक्स में या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग में किया जाता है अ वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरिया इज जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो कहलाता है पहला ऑप्शन है प्लाज्मिक दूसरा बैक्टीरियो फेज तीसरा बैक्टीरियल डीएनए और चौथा नन ऑफ एवम सही ऑप्शन है बैक्टीरियो फेज एक्सपीरियंट्स आइए समझते हैं बैक्टीरियो फेज होता क्या है जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर जाकर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ रिप्लीकेट करना स्टार्ट करता है इस फेज़ को बैक्टीरियो फेज़ कहते हैं ये पिक्चर है बैक्टीरियो फेज़ की वैक्टीरियो फेज का इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक रिसर्च में ध्यान रखेंगे आप देखते हैं अगला क्वेश्चन एसप्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर अपने दोस्तों के साथ चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को योर ग्री ट्विटर नाम से लाइक कर लें और फॉलो कर लें वीडियो की पी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल